नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। कांग्रेस केंद्र चुनाव समिति की आज इस समय आपको बता दें अहम बैठक हो रही है। इसमें लोकसभा चुनाव के लिए कई उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल, डीके शिवकुमार सहित कई नेता मौजूद हैं। वहीं राहुल गांधी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं और 10 राज्यों में 60 सीटों पर आज हो सकता है फैसला। तो आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी प्रशांत कुमार के पास। प्रशांत, तो काफी उम्मीदें होंगी इस बैठक से। जी बिल्कुल, देखिए जब से बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की थी 195 उम्मीदवारों की, तब से कांग्रेस से ये सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर कब तक कांग्रेस की ओर से उसके उम्मीदवारों की कम से कम पहली सूची जारी होगी। तो आज कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इसलिए रखी गई और अब से कुछ देर ये बैठक पहले ये बैठक शुरू हुई है और जैसे जैसे अलग अलग राज्यों की बारी आती जा रही है तो वहाँ के नेता भी पहुँच रहे हैं। अब से कुछ देर पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी पहुँचे हैं, चूँकि आज 10 राज्यों के करीब 60 उम्मीदवारों पर फैसला होना है, उसमें तेलंगाना भी एक राज्य है जहां की लगभग सभी सीटों पर आज उम्मीद की जा रही है कि उम्मीदवारों के नाम पर फैसला हो जाएगा। वैसे पहली सूची कब जारी होगी इसको लेकर अभी थोड़ा सा तय नहीं है, संशय है, क्योंकि संभावना है कि आज पहली सूची जारी नहीं होगी, कल या परसों पहली सूची जारी होगी, लेकिन नामों पर फैसला हो जाएगा। जिन बड़े नामों पर आज फैसला होना है उसमें सबसे प्रमुख तौर पर अगर हम देखें तो केरल के वायनाड सीट से राहुल गांधी, जो खुद अभी सांसद भी हैं, माना जा रहा है कि उनके नाम पर आज मुहर लग जाएगी। और इसके अलावा केरल से ही शशि थरूर कांग्रेस के एक बड़े उम्मीदवार हैं जो तिरुवनंतपुरम सीट से चुनाव लड़ते हैं। तो इन जैसे नामों पर तो आज सहमति हो गई, लेकिन कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में जहां पर कांग्रेस की अपनी सरकार है वहां पर जो उम्मीदवार आते हैं, किस तरह के उम्मीदवार आते हैं, उन पर सबकी नज़र रहेगी और वहाँ से आज कितने नामों पर फैसला होता है इस पर भी सबकी नज़र रहेगी। तो दिल्ली में 3 सीटें ऐसी हैं जिस पर फैसला होना है आज ही, तो ये सब कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पर नज़र रहेगी। और किन किन बड़े नामों को, क्योंकि यह माना जा रहा है कि संभवतः कांग्रेस अपने कुछ बड़े नाम जो फिलहाल अभी विधायक हैं या अभी चुनावी राजनीति से दूर हैं उनको इस चुनाव में उतारने की योजना बना सकती है। केवल इन्हीं राज्यों की बात नहीं है, देश के अलग अलग राज्यों की भी बात है। तो इन सभी चीज़ों पर नज़र रहेगी, आज फैसला हो जाएगा, लेकिन संभवतः जो सूची है वो कल या परसों आने की संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत इस जानकारी के लिए आपका। तो CWC की बैठक चल रही है कांग्रेस की और लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों पर फैसला होगा। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला ले लिया गया है। कैबिनेट ने भत्ते में 4% बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। महंगाई भत्ता बढ़कर 50% हुआ है। 1 जनवरी से लागू होगा बढ़ा हुआ भत्ता। और वहीं एक और बड़ा फैसला लिया गया है, वो है उज्ज्वला स्कीम को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। और इस स्कीम के तहत 12 LPG सिलेंडर पर 300 रुपये प्रति सिलेंडर डिस्काउंट मिलेगा। कैबिनेट ने AI मिशन को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो DNS अलाउंस मिलता है और जो पेंशनर्स हैं जिनको DNS रिलीफ मिलता है, इन दोनों में पहली जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा एक और लाभ जो इससे जुड़ा हुआ है, अब DA कुल मिला के 50% हो गया, 46 से बढ़कर 4% जोड़ के 50% हो गया। हमारी माता बहनों को तोहफे के रूप में जो 300 रुपये टारगेटेड सब्सिडी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक थी, उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए और अब 300 रुपये प्रति सिलेंडर हर वर्ष 12 सिलेंडर तक की सीमा तक हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 31 मार्च 2025 तक यानी 1 साल की अवधि बढ़ाते हुए लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवारों को ये लाभ
मिलेगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद पर को लेकर तीखा हमला बोला। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक जमाना था जब देश के जो कानून थे वो यहां लागू नहीं हो पाते थे, लेकिन वक्त ने करवट ली है और अब पूरे देश की योजनाओं का लाभ कश्मीर के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि परिवारवादियों ने सालों तक 370 को लेकर कश्मीर के लोगों को गुमराह किया और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा। परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दशकों तक इन अधिकारों से वंचित रखा। जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है हमारी J&K बैंक। इस बैंक को तबाह करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। बैंक में अपने नाते रिश्तेदारों और भाई भतीजों को भरकर इन परिवारवादियों ने बैंक की कमर तोड़ दी थी। आप सभी के हजारों करोड़ रुपए डूब जाने का खतरा था। J&K बैंक को बचाने के लिए हमारी सरकार ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए। विकास की शक्ति, पर्यटन की संभावनाएं, किसानों का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर के युवाओं का नेतृत्व, विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है। आई एम ग्लैड दैट प्राइम मिनिस्टर केम टू कश्मीर आफ्टर 5 years। It's a great moment of pride for all of us that the Prime Minister was able to come, and that also in the winter. Secondly, as far as this dynastic rule, that is a sort of a common voice I hear also in the Parliament all the time. And every speeches that his Prime Minister makes, he makes a particular target for this thing. You get elected by the people. You're not coming from the top. If the people don't want you, I lost election myself. As a chief minister, I lost election because people rejected me at that time. So, where is the dynastic rule? उधर पश्चिम बंगाल का संदेश खाली मुद्दा आज भी गरमाया रहा। एक तरफ बीजेपी नेताओं को संदेश खाली जाने से रोका गया, बीजेपी महिला मोर्चा ने पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने कल ही 12/7 रैली में ममता सरकार पर बलात्कारी को बचाने का आरोप लगाया था, तो दूसरी तरफ आज ममता बनर्जी ने कोलकाता में महिला समर्थन में मार्च निकाला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कभी कभार पता नहीं चलता, लेकिन अगर अन्याय के बारे में पता चलता है तो हम TMC कार्यकर्ता को भी गिरफ्तार करने से हिचकते नहीं। एक हथेली की सभी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। बीजेपी कहती है बंगाल में महिलाएं शोषित हैं, लेकिन मेरी चुनौती है कि महिलाएं बंगाल में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। অনেক সময় আমাদের নলেজে থাকে না, যদি কোনো কিছু অন্যায় হয়ে থাকে সঙ্গে আমাদের নলেজে আসলে আমরা সেটা অ্যাকশন নিই। এবং আমি তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের গ্রেপ্তার করতে আমি কখনো কার্পণ্য বোধ করি না। কালকে বিজেপি নেতারা বলে গেলেন এখানে কি মহিলা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হন। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি বেঙ্গল ইজ দ্য অনলি প্লেস যেখানে মহিলারা সেফ এবং সফেস্টেড। জিজ্ঞেস করুন হাসপাতাল যখন চলছিল আপনারা কোথায় ছিলেন? হর তারা পিটু বাবু কো গুসা কি হতা হ্যায় বেঙ্গল কা উপর মে, বেঙ্গল কা বেটি কা উপর মে? নারী সম্মান কা বাত করতে আপ লোগো নে আপনারা মহিলাদের সম্মানের কথা বলেন। সাক্ষী জল জয়ন্ত কুমার একজন বক্সার,
আপনার পার্টি এমপি তাকে নির্যাতন করার পরেও তাকে বক্সিং বোর্ডের চেয়ারম্যান করে দিলেন, লজ্জা করে না? তারা মহিলা সম্মানের কথা বলেন। आज राजस्थान के बांसवाड़ा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सभा में राहुल गांधी ने 5 गारंटियां दी हैं। नौकरी गारंटी, 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी। पहली नौकरी गारंटी, पहले ग्रेजुएट को 1 साल प्रशिक्षण और नौकरी। पेपर लीक से मुक्ति, नए कानूनों की गारंटी। गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा, कानूनी गारंटी। युवा रोशनी, युवाओं के लिए स्टार्टअप फंडिंग। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। वैसे ही हम हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। हम एक नया कानून लाएंगे, पेपर लीक के खिलाफ एक कानून, जिसमें हम एग्जाम दिलवाने का तरीका स्टैंडर्डाइज कर देंगे कि जो ड्राइवर का काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, उबर का काम, ओला का काम, ये पिज्जा डिलीवरी जो होती है, ये जो सब युवा हैं, इनकी रक्षा हो। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने आज सुप्रीम कोर्ट में SBI के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगा दी थी और स्टेट बैंक को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने का आदेश दिया था, लेकिन अब स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का वक्त मांगा है। ADR ने अपनी याचिका में कहा है कि 30 जून तक की मोहलत मांगना इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने NDTV से कहा है कि कोई भी फ्रंट हो, भारतीय वायुसेना हर चुनौती के लिए हमेशा तैयार है। देश जो उम्मीद कर रहा है उससे पूरा करने में हम सक्षम हैं। जो आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, स्वदेशी वेपन सिस्टम की बात हो रही है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? मतलब बाहर के विदेशों की तुलना में वेपन सिस्टम सब कैसे हैं सर? ये हमारे विदेश में बने हुए मतलब एकदम टक्कर के हैं। ऐसा कोई भी वेपन नहीं है जो कि ऑलरेडी फील्डेड हो भारत के देशों में और हमारे पास ना हो। अब आपको जैसे कोई नए तरह का, आजकल नए तरह के लॉन्ग रेंज वेपन का जमाना धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि ये रशिया यूक्रेन के बाद से हम भी उसके ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। इंडिया में बन रहे हैं, हमने बहुत इवन प्राइवेट सेक्टर में बन रहे हैं जो इस तरह के वेपन है, जो लॉन्ग रेंज के वेपन है, स्पेशलिस्ट वेपन है, एज कंप्यूटिंग है, जिनमें ये सब हम बना रहे हैं और हम उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब आगे 1-2 साल में तो हमारे सारे वेपन इंडिजिनस होने ही वाले हैं। अस्त्र मिसाइल बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत ही सक्सेसफुल मिसाइल है और इसको बहुत ही जल्दी हम अपने सारे जहाजों में लगा लेंगे। सर एक बड़ा सवाल है कि जो भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन की जो बात होती है, जो हमारी जरूरत है उसके तुलना में बहुत कम है, अगर लेस बात करें तो, इसको कैसे देखते हैं? हाँ, थोड़ी स्क्वाड्रन की संख्या में कम है, लेकिन हमने काफी अपग्रेड किया बीच में, MiG-29 को अपग्रेड किया, मिराज 2000 को अपग्रेड किया, आगे चलकर Su-30 को अपग्रेड करेंगे, लेकिन गिनती फिर भी चाहिए। तो उसके लिए तो हमने LCA मार्क 1 का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट का हमें करने के लिए अप्रूवल मिल चुका है जिसपे हमने काम चालू कर दिया है। इसके अलावा हमने HAL को बोला है कि आप कम से कम 24 जहाज एक साल में प्रोड्यूस करके दीजिए हमें। आज की तारीख में वो 12-13 जहाज प्रोड्यूस कर सकते हैं। HAL पूरे जोश के साथ लगा हुआ है, नासिक में भी वो LCA बनाएंगे, तो एक बार जब ये 24 जहाज हो जाएगा तो मे भी अगले 5-6 साल में हमारी गिनती काफी ठीक हो जाएगी।